मेरा नाम संदीप शर्मा है। हाँ, कम बोल बेटा। माता जी, मैं बैंगलोर से आया हूँ। बैंगलोर में जॉब करता हूँ, लेकिन दिल्ली में मेरा घर है। तो परसों मैं बैंगलोर से दिल्ली आया हूँ। हाँ। तो मेरे जॉब पे समस्या आ गई थी माता जी, और मेरा जिस जॉब में जो मालिक है, मेरा सैलरी भी 2 महीने का उसके पास है। वो लोग बहुत बड़ा अमाउंट है, और पता नहीं वो देगा नहीं देगा क्या है। लेकिन उस माता जी, तो फिर मैंने आपकी अरदास वीडियो देखता था लगाई, और 100 रुपये की 100 रुपये की लगाई आपकी मूर्ति के सामने। तो उसने मुझे बुलाया, और बुलाने के बाद उसने कहा कि आपको कम सैलरी मिलेगी, इतनी सैलरी नहीं मिलेगी, आपकी सैलरी सबसे ज़्यादा है कंपनी में, आपको थोड़ा कम देंगे। मैंने कहा, इससे पहले मैंने दूसरी जॉब भी देखनी शुरू कर दी थी आपकी अरदास लगाने के बाद। तो इंटरव्यू होने शुरू हो गए माता जी, और मुझे उसके साथ काम है, वो मुझे चाहता है क्योंकि मैं बहुत पुराना उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो क्या वो मेरी सैलरी देगा? क्योंकि माता जी 4-5 लाख रुपये है उसके पास, 2-3 महीने का उसके बेटा। तो उसी के पास कर अभी, पैसे मैं निकलवाऊंगी। वो माता जी कम कर दी उसने सैलरी। बेटा आप कर दी, जो तेरे हैं फंसे वो तो निकलवा ले। हाँ माता जी, और माता जी दूसरी भी जॉब से आ रही है उसमें जाऊँ, जैसे हो रही है बात आपकी कृपा से ना, जब से वो अरदास रखी है ना, तो सब जगह इंटरव्यू में सब सक्सेस होता जा रहा है। अब आप बताइए कहाँ कहाँ करेगा तू? माता जी दूसरी जॉब में और ज्यादा अच्छा है, मतलब सैलरी वगैरह सब कुछ, पोजीशन भी अच्छा है। आप जैसा बोलेंगे आपकी कृपा। तू जहाँ उंगली करेगा रखेगा कि माँ मैंने इधर उधर ही करवा दूंगी, बता दू। माता जी अब मेरा ना जयपुर में 2 राउंड हो चुके हैं, बस कल MD से बात हो जाएगा, उसने बोल दिया है। और जैसा आप करें अब कल भी उधर की ही करवाती। माता जी साथ रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि नई जॉब होगी तो कुछ भी होगा। तू सब सीखा हुआ है, ठीक है, तुझे बताने की लोड़ नहीं, बस मेरा नाम याद कर लेना, जाते समय रहते समय, बाकी मैं जाऊँ मेरा काम जाने, ले रुकावट नहीं आने दूंगी किसी भी बात की, और फिर लूंगी मैं कढ़ाई बचे बस सचे दरबार की जय। एक बार और अपनी भक्ति का दान दे दूंगा, वो सालों से दिया हुआ मुझे मुरख मत बन। वो सालों से दिया हुआ, बहुत ज्यादा दिया था माता जी का, बहुत ज्यादा दिया। बेटा फिकर मत कर, कम ज्यादा वो तो मेरा भक्त जितना ज्यादा मुझे याद करता है सच्ची भावना से बिना स्वार्थ के, उसे जैसा उसको वैसा ही मिल जाता है। तो मुझे लग रहा जॉब का एक बहाना हुआ, लेकिन आपके दर्शन हुए। दर्शन तो मैं कई बार देख चुकी हूँ जी, दरबार और है चौकी और है, हूँ तो मैं ही। शंका तेरी अभी भी छठी नहीं है, कुछ और है जो तेरे दिल में तू बोल नहीं रहा है। माता जी मैं कह रहा हूँ कोई घर तो सब ठीक है, घर में कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं, जैसे हम बैंगलोर में रहते हैं, घर दिल्ली में, कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं है। नहीं बच्चे, माता जी मेरे लिए सर्वोपरि आपकी भक्ति है, मैं आपको बता रहा हूँ। वो तो शुरू से मांगी थी तूने, रो रो के मांगी, रो रो के मांगी, जब नौकरी भी नहीं थी तब मांगी है, तब मांगी है। तो फिर और आपने मुझे दी है, और ऐसी दी है जो मुझे लगता है आपने किसी को नहीं दी। मुझे ऐसा लगता है मतलब। जा कल्याण होगा। अच्छा धागा मिलेगा।